हेलो गाइस, वेलकम बैक स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं 1600 पदों की वैकेंसीज को लेकर। उत्तराखंड के अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की जॉब्स हैं और इस पर जो है आप अपने अपने कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका मैं लिंक मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको यहाँ जो है इसका नोटिस डाउनलोड करने का मिलेगा और कौन कौन सी योग्यता चाहिए इसके लिए पूरा डिटेल में बता। तो चलिए शुरू करते हैं अपडेट के बाद। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर निकल के आ रखी है वैकेंसीज। लगभग 1600 के करीबन पोस्ट ये आपके SSC में इनकी स्टाफ सिलेक्शन से जो कमीशन है उसके द्वारा नोटिस निकाले गए हैं। इसके लिए आप यहां पर जो ऑनलाइन अप्लाई है अप्लाई करने के लिए ऑप्शन पे चले जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। और इसके जो यहां पर अप्लाई करने के ऑप्शन पे जाने के बाद से आप यहां पर नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जिसमें आप लोग यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर CHSL में पोस्ट निकल के आ रखी है उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और वहाँ से आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे इसकी पोस्ट आ निकल के आ रखी है, 10+2 वाले हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अलग अलग तरह की से। और आपका यूज़र आई डी इसमें डालना है, यहाँ पर देखते हैं। और ठीक है, पूरा पूरा जो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला है इसमें पूरा पूरा चेकआउट कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा रिलीज हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, CHSL का है और नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पूरा पूरा चेकआउट कर सकते हैं इसको, कितना कितनी पोस्ट है सब कुछ। और इसमें अगर बात करूँ पोस्ट को ले तो टोटल 1600 के करीबन है। इसमें LDC और DE और लोअर जो क्लर्क हैं उसकी पोस्ट हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं। तो इसमें 12वीं पास के लिए रखा गया है, 8 जून इसकी लास्ट डेट है। तो 8 जून से पहले पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा यहाँ पर। और वेबसाइट यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं।